मैं कोहिनूर आया था दोस्तों के साथ, दिस इज़ आवर बाइक। तो बाइक पे चलते हैं, फिर आगे आपको कहानी सुनाता हूँ आज की इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ये बाइक मैंने कितने की ली। ईसा भाई अभी नहीं आए, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है? अभी कैंसिल हुई है, मैं बताता हूँ यार, पता नहीं अभी मैंने कैंसिल की है, बताता हूँ। बहुत हो गया है, बाइक भी बहुत ज़्यादा आई हुई हैं माशाल्लाह। ये अपना देखें जिससे कितना प्रोमिनेंट हो रहा है। तो बस सब जाने लगे हम राइट पे, वो हमारे ईसा भाई इशू वाले। तो बस इंशाल्लाह उम्मीद है जल्दी निकलेंगे, तो देखने क्या बनता है। तो अब हम सब लोग निकलने लगे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो मैंने आप लोगों को बताना था जिक्सर क्यों लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। जिक्सर लेने की वजह ये है कि ये बिक जल्दी जाता है, इसकी मार्केट काफ़ी अच्छी है। ये 1000 है, ये 600 है, तो ये काफ़ी बेसिक बाइक है और ये इतना गर्म नहीं होता जितना गर्म R6 होता है। जो CVR है फ्रेंडली है, मगर वो मुझे इतना प्यारा नहीं लगता। मुझे जिक्सर 600 काफ़ी प्यारा लगता है। कुछ लोगों को R6 ज़्यादा प्यारा लगता है, मुझे जिक्सर फिर भी 600 ज़्यादा प्यारा लगता है, इसलिए मैं 600 को प्रेफर करता हूँ 600 CC में। तो उसके अलावा बाइक लेने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपने उसका देखना है इंजन। अगर इंजन वाइज बाइक इज़ ओके, ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। उसके बाद आपने आना है इसकी बॉडी पे, इंजन की गारंटी होनी चाहिए कि इंजन फुल पावर में है और खुला नहीं हुआ, सील है, एक ये चीज़ हो गई। दूसरा इसकी बॉडी है, इसकी बॉडी किस कंडीशन में है, कि बचाव कितना है, क्योंकि जिससे जितने भी बाइक्स हैं पुराने हैं, मोटर होते हैं, जैसे कि 14 है, इतने साल हो गए चलते हुए, कुछ ना कुछ तो इसको गिरा होगा या पेंट उतरा होगा या रगड़ लगी होगी, किसी बचाव होगा या खड़ा खड़ा गिर गया होगा किसी से गलती से, ये चीज़ें होती रहती हैं। तो ये चीज़ें बेसिक जो आपको चेक करनी होती हैं, पहले इंजन आकर जब पॉजिटिव पॉइंट हो गया, फिर उसके बाद आप बॉडी देखें, फिर बॉडी के हिसाब से पैसे होते हैं। और जो ये मुझे जिक्सर 600 है, ये मुझे तकरीबन पड़ा है 24 lakhs में। अब ये गर्मियाँ थी, ये गर्मियों का रेट है, जब सीज़न आ जाएगा भाई, जो बाइकिंग सीज़न है वो है सर्दियों का, और सर्दियों में रेट ज़्यादा अप हो जाते हैं। अच्छा तो मैं सॉरी, मैं बिज़ी हो गया था बाइक चलाने में। अच्छा तो मैं ये बता रहा था, सर्दियों में जो है बाइक का रेट अप हो जाता है और गर्मियों में बाइक का रेट नीचे आ जाता है। तो ये गर्मियों का मैंने रेट बताया है, मे भी सर्दियों में जाके काफ़ी बाइक का रेट अप हो जाए, और ये मैंने मुनासिब प्राइस में लिया है। तो बाकी अब आप लोगों पर, आप लोग बाइक को कैसे देखते हैं, मार्केट विजिट
करेंगे तो आपको रेट का अंदाज़ा हो जाएगा कि रेट चल क्या रहे हैं करंट मार्केट के हिसाब से। और बस ये है कि जब स्टार्टिंग में आप बाइक चेक करते हैं सारे मैकेनिक को लाजमी लेके जाएं जिसको बाइक की नोहा हो, बहुत अकेले ना जाएं, क्योंकि अगर आपको बाइक का नॉलेज नहीं है तो अक्सर आप गलती कर देंगे बाइक चूज़ करने में। बाइक महंगा मिल जाए, बाइक अच्छा हो, खैर है, बाइक महंगा मिल जाए, बाइक अच्छा ना हो, इंजन वाइज भी फ़र्क हो, वो बहुत बड़ा लॉस है। तो ये चीज़ें आपने दिमाग में लाजमी रखनी है। मैंने कहा आप लोगों को जिससे 600 के बारे में बता दूं कि इसकी प्राइस ब्रैकेट क्या है, 14 मॉडल की, अगर मैंने प्राइस बताई ये इतनी है, तो बाकी जो प्राइस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है मॉडल के हिसाब से माइलेज और कंडीशन क्या है। जो माइलेज है ये आप कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि लोग मीटर रिवर्स करते हैं बाइक का, जो मैं सही बात बताऊँगा, जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। कुछ रेयर बाइक्स हैं जिनका मीटर रिवर्स नहीं होता, गाइस अब हम लोग जा रहे हैं आगे पेट्रोल पंप पे, वहाँ से फिर इनको हम सी ऑफ करेंगे, सी ऑफ करके वापस निकलेंगे, आगे जाके हम खाना खाना खाएंगे इंशाल्लाह। दिस इज़ आवर बाइक, वो उनकी बाइक्स, ये उनकी बाइक्स, आगे उन्होंने ड्रैग लगा। हैं तो लेफ्ट पे हो जा, अब ये हमजा और ईसा भाई ये दोनों ट्रैक लगाने लगे हैं, मजा आ रहा है यार ब्रो। मैं ऐसे करूंगा, वन टू थ्री
हमारी रिपोर्ट के मुताबिक आगे हैं पुलिस वाले, एक्साइज वाले। तो अब हम देखते हैं कैसे जाना है, क्योंकि वो लोग तो हमें तंग करेंगे स्पोर्ट्स बाइक के ऊपर से, तंग करेंगे फिर बताइए आप लोगों को, बस क्या बताएं, क्या बताएं, क्या बताएं आप लोगों को। खैर लेट्स सी अब क्या सीन बनता है। टाटा बाबा यारो, उनको नहीं पता मैं रुक गया हूँ। खैर इधर नमाज पढ़ता हूँ। तो हम लोग इधर ये ग्लोरिया आए थे, अब मैं निकल रहा हूँ, वीडियो नहीं मैं बना सका अंदर की। पानी कितना कर दिया वो पीछे। ओके फिर अब आप लोगों ने चार से पांच चीजें करनी है, डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बेल का दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी लोग पसंद आ रहे होंगे। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।